जी चंद्रशेखर IMC-ERTF को तो अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट ही इज अ वेरी 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 लर्नेड इकोनॉमिस्ट, कॉटन के इकोनॉमी के बारे में वो दुनिया भर में जाके बात करते हैं। आज हमें अपने घर में इनको सुनने का मौका मिल रहा है, इनके घर में इनको सुनने का मौका मिल रहा है। प्लीज चंद्रशेखर जी, आई विल एंश्योर दैट इकोनॉमिस्ट मेंटेन, प्लीज बी ऑन स्टेज। श्री चंद्रशेखर जी विल मेक द ओपनिंग स्टेटमेंट ऑन डिस्कवरिंग द इकोनॉमिक्स ऑफ कॉटन टू प्रिवेंट पॉवर्टी एंड टू प्रमोट प्रॉस्पेरिटी। ये अपने नॉलेज और अपने वर्ल्ड जो जो दुनिया का भ्रमण ये कर चुके हैं उस बेसिस पे ये अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। उसके बाद जो अपने इधर अपने साथ में और भी ऐसे लोग हैं नॉलेजेबल, उनसे मैं विनती करूँगा कि शेयर करने के लिए। ये चंद्रशेखर जी, जय श्री जी। Please take your seats, everybody. May I seek your attention, please? All of you are well aware, this is half day का conference है हमारे पास, न दो दिन है न पूरा दिन है, और आप सभी काफी लोग बाहर गांव से आए हैं। We want you to return back on time, so we have to end on time. Please be seated so that we get started. Friends, let me start by complimenting Cotton Guru and my friend Mani Gaga for organizing this event. We had the first event last year, and this is the second year running. And I'm sure and all of you will agree that Manish has kind of managed to get all the stalwarts from the trade and industry, which obviously shows how strong his network is, how passionate he is about this subject. Over the next 7 or 8 minutes or 10 minutes, I have 3 or 4 slides to share with you. And let's go to the first slide. एक हमारा सक्सेस स्टोरी है हमारा देश का कृषि क्षेत्र का, उसमें सिर्फ दो फसल आते हैं मेरे ख्याल में। आई एम टॉकिंग अबाउट द रीसेंट सक्सेस ऑफ द लास्ट 10 और 12 इयर्स और 15 इयर्स। वन इज कॉटन, द सेकेंड वन इज बेज कॉर्न मक्का। दीज आर टू क्रॉप विच हैव डन एक्सीडिंगली वेल ओवर द लास्ट 10 और 12 इयर्स, एंड बिकॉज दिस इज ऑन कॉटन, लेट मी फोकस ऑन कॉटन। तो इट्स अ ग्रेट फार्म सक्सेस स्टोरी है हमारा देश के लिए, और इसके बारे में हमें गर्व होना चाहिए। हमारा रैंक है विश्व में हाईएस्ट एकरेज, हाईएस्ट प्रोडक्शन, हाईएस्ट कंजम्पशन एंड आल्सो हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट पर रैंक इज हाई, बट मे नॉट बी नंबर वन, पॉसिबली नंबर टू। अगर हमारा ईल्ड काफ़ी कम है, देयरफॉर वी कैनॉट टेक एनी क्रेडिट फॉर ईल्ड्स। इनफैक्ट वी शुड बी काइंड ऑफ एम्बेरेस्ड अबाउट आवर ईल्ड, बिकॉज देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल फॉर ईल्ड ग्रोथ। ज़रूर पिछले सात आठ दस साल में किसान को फ़ायदा हुआ है, कॉटन ग्रोवर्स जो कपास उगाते हैं उनको ज़रूर अच्छा भाव मिला है, अच्छा फ़ायदा हुआ है। इसके वजह से हमारा जो क्षेत्र है, द प्लांटेड एरिया अंडर कॉटन हैज एक्चुअली एक्सपेंडेड बियॉन्ड व्हाट 120 लाख हेक्टर्स। एक खास इसका ये जो हमारा परफॉर्मेंस है कॉटन सेक्टर का, इसका एक खास एनेबलर है टेक्नोलॉजी। इट इज़ ओनली आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी सीड्स दैट आर प्रोडक्शन हैज सब्सटेंशियली इंक्रीज्ड। I'm not saying that it is only technology seed which has brought cotton revolution. There are other reasons, but certainly technology seeds have enabled or contributed to the success of Indian cotton, about which there is no doubt. मगर आगे जाकर के 5-10 साल क्या होगा, काफ़ी चुनौतियाँ आएंगे हमारा सामने। एक है लैंड कंस्ट्रेंट, ज़मीन मिलना मुश्किल होगा। दूसरा है वाटर शॉर्टेज, water shortage is really looming and that's going to hurt Indian agriculture in general. And third one is of course global warming and climate change.
तो हर एक विषय पर आधा घंटा का लेक्चर हो सकता है, मगर उतना समय नहीं है हमारे पास. तो मैं ओनली फ्लैगिंग दीज इश्यूज ना. हमारा जो क्या है अव्वल नंबर जो बोलते हैं हमारा इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड प्रोडक्शन एक्सेट्रा, तो क्या हम कैन वी रिटेन दैट टॉप रैंक ओवर द नेक्स्ट 5, 10 or 15 ईयर्स, ये सबसे बड़ा सवाल है. नेक्स्ट वन. ओके, तो हमें आगे जाकर के वी नीड टू क्रिस्टल गेज इन टू द फ्यूचर. आगे 7, 8, 10 साल में क्या हो सकता है हमारा कृषि क्षेत्र में और खास करके कपास के लिए क्या हो सकता है. मैं समझता हूँ विश्व भर में जो ग्लोबल कॉटन प्रोडक्शन है वो विल ग्रो एट अ पेस स्लोअर देन कंजम्पशन. इसका मतलब है कि कंजम्पशन बढ़ेगा, उत्पादन भी बढ़ेगा, मगर उत्पादन कंजम्पशन से कम बढ़ेगा. तो इसका मतलब है कि कॉटन अवेलेबिलिटी, मैं विश्व भर का बात कर रहा हूँ, इट विल गेट टाइटर एंड टाइटर. मगर अभी आगे 2-3 साल में वो टाइटनेस हमें महसूस नहीं होगा क्योंकि विश्व भर में इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा है और एक बहुत बड़ा इन्वेंट्री पिछले 2-3 साल में धीरे धीरे कम होते जा रहा है और आगे 3-4 साल में काफ़ी और भी कम हो जाएगा. देन वो जो टाइट डिमांड सप्लाई सिचुएशन है उसको मार्केट उसका महसूस कर पाएगा. अमेरिका खास करके लार्जेस्ट एक्सपोर्टर रहेगा आगे 7, 8, 10 साल के लिए. तो मैं समझता हूँ दे बी द मेन एक्सपोर्टर टू द वर्ल्ड मार्केट. चाइना में जो मिल्क कंजम्पशन है पिछले 3-4 साल में देख रहे हैं धीरे धीरे इट इज़ नॉट ग्रोइंग, द ग्रोथ इज डिसेलरेटिंग एंड गोइंग फॉरवर्ड ओवर द नेक्स्ट 7, 8, 10 ईयर्स उनका जो डाउनवर्ड ट्रेंड है इट्स अ लॉन्ग टर्म डाउनवर्ड ट्रेंड एज फार एज चाइना मिल्क कंजम्पशन इज कंसर्न. खास करके हमें ये भी देखना है क्या सिंथेटिक फाइबर से कपास को कॉम्पिटिशन होगा या शुरू होगा. देर विल बी कॉम्पिटिशन फॉर कॉटन फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर, देर इज नो डाउट एट ऑल. खास करके क्रूड ऑयल जो फॉरवर्ड पोजिशंस है 2, 3, 4, 5 साल बाद क्रूड ऑयल का जो भाव हो सकता है वो काफ़ी कम है. अभी जो $75 प्रति बैरल है उस पर मत जाइए आप. मार्केट इज विल डेफिनेटली करेक्ट इवन दिस ईयर एक्सेल इन द सेकेंड हाफ टू $65 देन टू $60, बट 3-4 साल 5 साल आगे हम सोचेंगे तो इट विल फॉल इवन फर्दर विद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड अदर रेवोल्यूशंस दैट आर टेकिंग प्लेस इन द ऑटोमोबाइल सेक्टर. देखो सिंथेटिक फाइबर से जैसे क्रूड का भाव बढ़ता है सिंथेटिक फाइबर विल बिकम मोर एंड मोर कॉम्पिटिटिव. फॉर कॉटन एंड सिंथेटिक फाइबर विल फाइट फॉर मार्केट शेयर. दिस समथिंग ऑल ऑफ अस हैव टू रिमेंबर. नेक्स्ट वन. तो ये क्रिस्टल गेजिंग में विश्व का जो दृश्य है ऐसा हमें लग रहा है, मगर इंडिया में क्या होगा. हम विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक तो रहेंगे कॉटन का, उसमें कोई शक नहीं है आगे जा करके. और हमारा मिल्क कंजम्पशन जो बढ़ते जा रहा है आगे 5 से 10 साल बढ़ते ही रहेगा, ज़्यादा बढ़ेगा और वी विल एक्चुअली बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क कंज्यूमर. चाइना सेकेंड नंबर में चला जाएगा. वी बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क कंज्यूमर. बिफोर ये एक बड़ा चुनौती है हमारे लिए. एक है उत्पादन में प्रोडक्शन में काफ़ी चैलेंजेस है जो पिछले स्लाइड में मैंने बताया, लैंड कंस्ट्रेंट, वाटर शॉर्टेज, क्लाइमेट चेंज, लो यील्ड्स एक्सेट्रा. और हमारा कंजम्पशन तो ज़रूर डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ेगा. तो ये बड़ा चुनौती है सभी स्टेक होल्डर्स, इनपुट सप्लायर हो, किसान हो, प्रोसेसर हो, जिनिंग प्रेसिंग फैक्ट्री, टेक्सटाइल मिल, एक्सपोर्टर्स, एंड कंज्यूमर्स, फॉर एवरीबडी, ऑल स्टेक होल्डर्स, पॉलिसी मेकर. इट्स अ बिग चैलेंज टू एंश्योर क्या हमें क्या निश्चय करना है. वी हैव टू मेक श्योर दैट इनफ कॉटन इज अवेलेबल फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड इनफ कॉटन इनफ जेन्युइन एक्सपोर्ट सरप्लस इज जनरेटेड. तो डोमेस्टिक मिल के लिए कपास मिलना चाहिए, रुई मिलना चाहिए और एक्सपोर्ट जेन्युइन एक्सपोर्ट सरप्लस भी हमें उसका भी उत्पादन चाहिए. सो दैट्स अ बिग चैलेंज. वो चुनौती के बारे में हमें वो महसूस करना है कि ऐसा एक बड़ा चुनौती है हमारा सामने. सो कैन इंडिया डू इट, क्या हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे, कैन वी सक्सीड, दैट्स अ बिग क्वेश्चन. इसमें एक विषय है, हमारा जो कृषि क्षेत्र है इंडियन एग्रीकल्चर इज
very vulnerable, it's very fragile. And I always said, we are just one bad monsoon away from a farm disaster. It's so delicate. How to strengthen the agriculture? One way is certainly technology infusion. और जब मैं technology infusion का बोलता हूँ, मैं सिर्फ agriculture biotechnology के बारे में नहीं. उससे there are multiple technologies. We need to invest agriculture with multiple technology, not only biotechnology, but also information technology, satellite technology, nuclear agriculture technology, and even nanotechnology for processing and for the textile industry and for food processing in particular. I'm talking about nanotechnology. For this is one part, technology infusion. Second part is farmers have to stay motivated. When prices fluctuate, when farmers don't get remunerative prices, they don't even get MSP, they will be demotivated. We cannot afford demotivated farmers in this country. And the cotton sector, given the state within the country, huge consumption demand that would expand. Farmers have to stay motivated. They must get remunerative prices without any doubt. So, cotton sector, jo hai, cotton kshetr mein, main dekh raha hoon pichle 15-20 saal se main track kar raha hoon. Ek bedangi roop mein chal raha hai. It's just moving. I think it is not focused. It is just about managing in a very routine way. It's a business as usual. A business as usual model आगे जाकर के नहीं चलेगा. Therefore, this is a sector that needs very strong policy support, that needs strong research support, and it needs strong investment support. तो ये जो policy support, investment support, research support जो चाहिए इस cotton क्षेत्र के लिए to benefit all the stakeholders. वो ये जो industry bodies है, trade bodies है, जैसे city है, जैसे CA है, इनका ऊपर एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी, including of course the input suppliers, farmers organizations, ginning pressing factories, textile mills, trade associations, industry associations, on all of them there's a huge amount of support. For I think we need to think ahead, look at the challenges of the next 7, 8, or 10 years. There are opportunities, there are challenges. Opportunities are going to bring huge amount of benefits, but if opportunities are not going to be available on a platter, उसके लिए हमें काम करना है, वो चुनौतियों का सामना करना है, वो जो भी चुनौती है उसका जो भी हल निकालना है हमें, and उसके बाद ही हमें विजय हासिल होगा. Therefore, I want to caution this house, don't take cotton crop for granted. We need to work very consciously towards the success of the cotton sector. जो पिछले 8-10 साल में जो भी हासिल किया है हमने, वो हम शायद खो सकते हैं आगे 7-8-10 साल में. But I think we can't afford to lose the momentum of cotton production, cotton consumption, and cotton export. And therefore, I think all the trade bodies, industry bodies have to work together, prepare a perspective plan, go to the policy makers, make sure that the policy makers accept a blueprint for action, a blueprint for a policy environment, for investment, and for research dollars to be spent for strengthening the Indian cotton sector to become globally competitive. Thank you very much. Good luck and God bless you all.